कल मैंने तेजस्वी और अन्नामलय को दोनों मिलके एक साथ इंटरव्यू किया। दोनों को मैंने पूछा कर्नाटका सांबर अच्छा है या तमिलनाडु सांबर अच्छा है। तेजस्वी ने कहा तमिलनाडु सांबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अन्नामलय से मैंने प्रश्न पूछा, अन्नामलय से ब्रदर वाई आर यू क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी, मुझे आंसर नहीं करना है इसके बारे में। हम लोग इतना डेस्परेट हो गए बारिश के लिए कि अगर आरसीबी मैच लड़ रहे हम प्रे करते कि मैच भी ठीक है अबैंडन हो जाए, बारिश होना चाहिए बस। बैंगलोर साउथ इज अ वेरी सेफ सीट for BJP. Bajpa wants to make it a Hindutva election. Congress wants to make it a caste election. While in every seat in BJP thinks that it should be Modi, it should be Hindutva. Tabhi consolidate hoga. But Congress ko wo nahi chahiye, wo narrative hi nahi chahiye. Jab the moment Congress Hindutva touch karegi, wo backfoot pe rahegi. To wo caste, subcaste aur guarantee ke upar lad rahe hai chunav. BJP ko sirf Hinduon ke liye party ho jana chahiye. Kuch na kuch aise statement Tejaswi Surya ka aata rahe. Mujhe lagta hai wo ek aggressive neta banna chahta hai. Wo statements ke baad hi unko Yuva Morcha ka adhyaksh banaya. To party bhi shayad sochti hai ki agla 20 साल के लिए हमारा आइडियोलॉजी कल तक लेके जाने वाला कौन है उनको चुन रहे शायद। ललनटॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए निकले हैं और अब हमारा अगला पड़ाव पड़ा है कर्नाटका। कर्नाटका दक्षिण भारत का वो इकलौता राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल पा रही है, जीत पा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरली भी सक्सेसफुल होती दिखती है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो 28 सीट वाले राज्य में बीजेपी 25 सीटों पर, जो NDA का गठबंधन था उनका, 25 सीटों पर वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। इस बार क्या हाल है, कर्नाटका के क्या इश्यूज है, मैप खोल लिया है हमने। हमारे साथ नागार्जुन, आप नागार्जुना है या नागार्जुन? नागार्जुन। आधे लोग क्योंकि वो केरला कर्नाटका वाले से नागार्जुन। नॉर्थ इंडियंस का काफी ये आदत है कि साउथ इंडियंस थिंक दे थिंक दैट आ लगा देंगे तो नागार्जुना बना देंगे, बट नागार्जुन ही है। नागार्जुन। तो हमारे साथ नागार्जुन द्वारकनाथ है, ये कर्नाटका की जो इंडिया टुडे की डेस्क है उसको लीड करते हैं और ब्यूरो चीफ भी है, लगातार यहाँ से रिपोर्ट करते रहते हैं। आरवम में आपने कई बार नागार्जुन को देखा होगा और इनकी और अक्षता की सांबर को लेकर जो बहस हुई थी कि कर्नाटका का सांबर ज्यादा अच्छा है या तमिलनाडु। कल मैंने तेजस्वी और अन्नामलय को दोनों मिलकर एक साथ इंटरव्यू किया। दोनों को मैंने पूछा कर्नाटका सांबर अच्छा है या तमिलनाडु सांबर अच्छा है। तेजस्वी ने कहा तमिलनाडु सांबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कर्नाटका उडुपी में इन्वेंट हुआ सांबर। अन्नामलय से मैंने प्रश्न पूछा, अन्नामलय से ब्रदर वाई आर यू क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी, मुझे आंसर नहीं करना है इसके बारे में। बोलना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो तो दोनों ही यंगेस्ट फेस हैं दोनों ही राज्यों के। क्या कर्नाटका का पहले तो आप ज्योग्राफी समझा दीजिए, कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? देखिए मैं इस मैप के साथ मैं आपको दिखा दूंगा। चार मेन रीजन्स है, एक तो सदर्न कर्नाटका जहाँ हम बैठे हैं, इफ़ यू कैन ड्रॉ लाइन जैसे आप चिकमंगलूर देखते हो, इससे नीचे जो भी है वो सदर्न कर्नाटका है। जैसे आप देख सकते हो तुमकूर है, मैसूर है, मडिकेरी है, बेंगलुरु है, कोलार है, चिकबल्लापुर है, ये सब जिले हैं, ये सब साउथ कर्नाटका में आता है। और नेक्स्ट इज कोस्टल, जैसे आप महाराष्ट्र में कोंकण कहते हैं, कर्नाटका में भी देर इज कोस्टल, इन कन्नडा वी कॉल इट करावली एरिया, करावली इज कोस्टल। सो देर यू हैव मैंगलोर, उडुपी एंड उत्तर कन्नड़ा, सिर्फ तीन डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर कन्नड़ा इज कारवार वेर यू हैव द नेवल बेस, उडुपी वेर द बिग कृष्णा टेम्पल इज देर, एंड मैंगलोर वेर वी हैव द बिगेस्ट पोर्ट। सो दिस इज वन रीजन। सो वी हैव साउथ सदर्न कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, नाउ वी हैव नॉर्दर्न कर्नाटका और द कित्तूर कर्नाटका, बिकॉज कित्तूर रानी चन्नम्मा वॉज अ फ्रीडम फाइटर हु फॉट द ब्रिटिश बैक देन एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो नाउ द प्रीवियस गवर्नमेंट नेम द नॉर्दर्न कर्नाटका इज कित्तूर कर्नाटका, अर्लियर यूज टू बी कॉल्ड बॉम्बे कर्नाटका। बॉम्बे कर्नाटका स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र एंड एक्सटेंडेड इन टू कर्नाटका, ओनली आफ्टर द स्टेट्स वे डिवाइडेड दे केम बैक टू कर्नाटका, राइट? सो जोग्राफिकली दिस एरिया इज कॉल्ड बॉम्बे कर्नाटका। यू हैव बीजापुर, यू हैव धारवाड़, यू हैव बेलगाम, यू हैव चिक्कोडी, यू हैव हावेरी, ऑल ऑफ दिस इज बॉम्बे कर्नाटका बैक देन। बट पिछला सरकार, बीजेपी सरकार, इसको रीनेम किया कित्तूर कर्नाटका। और अगला आएगा आपका हो गया सदर्न कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका। आखिरी जो है वो हैदराबाद कर्नाटका, जो हैदराबाद के बिल्कुल सामने है, वो सब हैदराबाद कर्नाटका ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड। जैसे बीदर है, कलबुर्गी है, यादगिर है, रायचूर है, बल्लारी है, ये सब हैदराबाद कर्नाटका है। तो मेन फोर रीजन्स फॉर कर्नाटका, सदर्न कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका एंड हैदराबाद कर्नाटका, विच इज़ रीनेम टुडे एज कल्याण कर्नाटका, ताकि हमारा खुद का आइडेंटिटी हो। बॉम्बे कर्नाटका क्यों बुलाना है, हैदराबाद कर्नाटका क्यों बुलाना है, तो एक खुद का एक आइडेंटिटी भी है कि कल्याण कर्नाटका जहाँ डेवलपमेंट कम है तो
उसका कल्याण करना चाहिए, उस रीजन का कल्याण करना चाहिए। ले लीजिए आप चाय भी ले लीजिए। ये कनाडा में मंडक्की कहते हैं, मंडक्की मतलब चिवड़ा, जो पफ्ड राइस जो नॉर्थ में होता है, और ये जो नॉर्मल मिक्सचर है और अनियन है। तो इट्स अ फेमस स्नैक इन कर्नाटका, जो खाने के बाद जो शादियों में मिलता है, शाम को चाय के साथ पी लेते हैं, तो यही है कर्नाटक में। हम चिवड़ा ही बोलते हैं हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, कर्नाटका में यही मंडक्की कहते हैं इसको। मंडक्की एक कर लीजिए टेस्ट। कर्नाटका आई थी मैं, तो मुझे यहाँ का सबसे अच्छा इडली, जो थट्टे इडली होता है, सबसे सॉफ्ट इडली। थट्टे मींस प्लेट। इफ इडली इज द साइज ऑफ द प्लेट, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स प्लेट इडली और थट्टे इडली, अदरवाइज इडली इज स्मॉल। आपको ये भी ट्राई करना है, जैसे तट्टे इडली बड़ा वाला है, व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट्स हमारे पास होगा बटन इडली, जो इतना सा छोटा सा होता है बटन जैसा, सो इट्स कॉल्ड बटन इडली, मिनी इडली भी जिसको कई जगह कहते हैं। एग्जैक्टली, वो बटन इडली बोलते हैं इधर। बढ़िया। चाय है ना ये या कॉफी है? चाय है, चाय है। और इसको क्या कहते हैं, इस वेसल को जो स्टील है? लोटा। लोटा, लोटा हमारा लोटा होता है, बहुत बड़ा सा। हाँ, ये तो चाय लोटा है। चाय लोटा, चाय लोटा। बढ़िया। तो अभी जब हम बेंगलुरु की तरफ है, ये जो नीचे का हिस्सा है, ये सेकंड सेकंड फेज में बोलते हैं। हाँ, अभी अगला 26 को, 26 को। और बाकी पूरा थर्ड फेज, नौ, दो ही फेज है। नीचे का 14 सीट 26 को, ऊपर का 14 सीट मई 7 को, 28 सीट। हाँ, जैसे हैदराबाद कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका मिलके मई 7, कोस्टल कर्नाटका और सदर्न कर्नाटका मिलके 26 को। तो पहले सेकंड फेज की सीट्स के मुद्दे डिस्कस कर लेते हैं। और क्या यहाँ पर, तो अभी कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था जब स्टेट इलेक्शंस हुआ था, लेकिन जब 2019 का इलेक्शंस देखे तो सारा बीजेपी का ही मामला था। बीजेपी लास्ट टाइम वन एवरीथिंग 2019 में, आपने देखा तो सिर्फ एक सीट नहीं जीत पाई, वो बैंगलोर रूरल है। अच्छा, डीके शिवकुमार जो डिप्टी सीएम है, उनका भाई लड़ रहा है लगातार तीन बार, 2012 से जीत के, जब बाई इलेक्शन हुआ 2012 2014 2019, तीनों बार जीते, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वो एक सीट है जहाँ पूरा दुनिया या पूरा देश एक कॉन्सनट्रेट करे, क्योंकि उसके आगे और जो लड़ रहा है बीजेपी के सिंबल से, देवेगौड़ा का दामाद, वो सबसे कार्डियोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर सी एन मंजुनाथ, वो बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है। एक फेम जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है इधर कर्नाटका बेंगलोर में, वेयर लॉट ऑफ पुअर पीपल कम फॉर ट्रीटमेंट विथ लेस मनी, तो कम पैसे में ट्रीटमेंट हो जाते हैं, और लाखों में फुटफॉल्स होता है हर साल, और सबको एक अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलता है कम पैसों में, और जान भी बच जाता है। जो आपको एक ओपन हार्ट सर्जरी अपोलो में या दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए तो थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि सर्विसेज भी ऐसा ही होता है, वही वो जयदेवा में आपको मिनिमम 60% 70% कम दाम में मिल सकता है। तो वो लड़ रहा है, वो सीट है बैंगलोर रूरल, जो बैंगलोर ग्रामांतरा कहते हैं कन्नड़ा में, वो सीट है बैंगलोर रूरल। एवरी मीडिया हाउस इज लुकिंग एट दैट। 30 लाख वोटर्स है, क्या है वहाँ के इश्यूज़? देखिए, वो सेमी अर्बन सीट है, काफ़ी एरिया बेंगलुरु का भी मिले हुए है, और काफ़ी रूरल साइड भी मिले हुए हैं। होसूर बॉर्डर, जो तमिलनाडु बॉर्डर है, उधर से लेके ऑलमोस्ट आपको हाफ वे टिल मंडिया। आप देखिए, ये बेंगलुरु है, ये होसूर है, इधर होसूर शुरू होता है बेंगलुरु रूरल, इधर पूरा फिनिश होके कुणिगल है, देखिए इधर तक आता है होसूर टू कुणिगल तक आता है। तो ऑलमोस्ट आपको 130-140 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस रहेगा, और 30 लाख वोटर्स है इसमें, तो कवर करने भी मुश्किल है। अब इफ़ यू टेक द अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी, जो लोकसभा में, बेंगलुरु रूरल लोकसभा में है, उधर पानी का इश्यू है बहुत सारा, सबको कावेरी कनेक्शंस नहीं है, अपार्टमेंट में कावेरी कनेक्शंस नहीं है, अब तो मानसून भी फेल हो चुका है, बोरवेल्स ड्राई हो चुका है, तो क्या इसका सोल्यूशन रहेगा? वो ये भी कहा जा रहा ना कि इस समय मतलब सबसे वर्स्ट ग्रोथ सीजन देख रहा है बैंगलोर अपना या कर्नाटका। हम लोग इतना डेस्परेट हो गए बारिश के लिए कि अगर आरसीबी मैच लड़ रहे, हम प्रे करते कि मैच भी ठीक है अबैंडन हो जाए, बारिश होना चाहिए, बस मैच हो जाएगा बाद में, बट बारिश होना है। तो इतना डेस्परेट हो चुके हैं क्योंकि एक साल से बारिश नहीं हुआ है, एंड द लाइफ लाइन ऑफ बैंगलोर इज कावेरी वाटर। अगर नदी में पानी नहीं है तो हम कैसे पियेंगे? और जब कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहा है, बोरवेल भी इस्तेमाल हो रहा है, तो एक साल से बारिश नहीं हुआ है, तो एमपी और एमएलए दोनों में काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि लोग पानी मांग रहे हैं अभी। और यही कावेरी है जो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में भी विवाद का मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, इतने सालों से चल रहा है, लगभग 40-50-60 साल से चल रहा है।
जब बारिश होता है, व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ रेनफॉल, झगड़ा नहीं है क्योंकि हमारे पास भी पानी एक्स्ट्रा है, छोड़ भी देंगे. जब ड्राउट आता है, मानसून फेल होता है, तब इस बार झगड़ा हुआ, कोर्ट तक पहुँचे, कावेरी वाटर मैनेजमेंट वाटर अथॉरिटी तक पहुँचे. अभी भी कोर्ट का ऑर्डर है आपको 2.75 TMC या 3 TMC पानी छोड़ना ही पड़ेगा. तो वो भी छोड़ रहा है क्योंकि अदरवाइज विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इट्स अ कैच 22 सिचुएशन. आपको आपके सिटीजन्स को लिए भी पानी देना है, नेबरिंग स्टेट को लिए भी पानी देना है. बट कर्नाटक सरकार ने एक कदम लिया है कि अगर हमारे पास ड्रिंकिंग पीने का पानी नहीं हो तो हम तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ेंगे, हम जेल जाने के लिए भी तैयार है. जैसे सीएम ने बयान दिया है, हम नहीं छोड़ेंगे. पहले हमारा देखना पड़ेगा, पहले हमारा सिटीजन्स को पानी के पीने के लिए. वो तो एग्रीकल्चर के लिए मांग रहे हैं, हम तो ड्रिंकिंग वाटर की के लिए मांग रहे हैं. तो वो एक मुद्दा है बेंगलुरु रूरल में. जैसे दो सीट है, दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो अर्बन है, बेंगलुरु साउथ और आर आर नगर, जो बेंगलुरु के अंदर आता है बट पार्ट ऑफ अर्बन रूरल बेंगलुरु लोकसभा. बाकी जो द रेस्ट ऑफ द सीट्स है, जैसे कुणिगल है, जैसे चनपटना है, रामनगर है, वो सब रूरल में आते हैं. रूरल का इशू अलग है, MSP इशू है फार्मर्स में, और अच्छे रोड्स का इशू है, मुद्दे है. एंड मोस्ट ऑफ देम वांट अ गुड एयरपोर्ट नियर देम, ओनली MPs कैन प्रोवाइड इट. मोस्ट ऑफ देम वांट्स अ गुड रेलवे कनेक्शन, दे ऑल्सो इज़ अ बिग इशू. तो वो सब MPOs क्या है. तो बेंगलुरु रूरल इज़ अ बिग कॉन्स्टिट्यूएंसी. मैसूर इज़ अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ यदुवीर वड़ेयर लड़ रहा है. इज अ रॉयल डिसेंडेंट ऑफ द मैसूर किंगडम. मैसूर किंगडम हैज हिस्ट्री, ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ से 400 साल, 500 साल, 300 साल. जहाँ मैसूर का दशहरा भी उसका, मैसूर दशहरा इटसेल्फ इज अराउंड 400 odd years. पहले महाराजा बैठते थे हाथी के ऊपर और एक दरबार में जाते थे जहाँ पूरे लोग महाराजा से मिल सकते थे. जब डेमोक्रेसी आया, जब इलेक्शंस आया, जब कर्नाटका स्टेट बन गया मैसूर स्टेट से, तब से द गॉडेस ऑफ कर्नाटका चामुंडेश्वरी जो है, शी इज़ द स्टेट गॉडेस. चामुंडेश्वरी का मूर्ति जो अंबारी में होता है, एंड द अंबारी द मूर्ति जो लोगों के बीच में होता है. महाराजा जो बैठते थे, अब वो निकल के अभी गॉडेस को बिठाते हैं. वो दशहरा इसमें आखिरी जो दिन होता है विजयदशमी, उस दिन ये दरबार होता है. और पूरे देश की उस पर नजरें रहती है और बहुत सुंदर भी होता है ना, मतलब पूरा गोल्डन, बहुत ग्रैंडियस. जैसे आप सोचिए, आप वापस चले गए 400 साल पहले, जैसे वो अंबारी जो चैरियट होता है, स्मॉल चैरियट, वो पूरा सोने का है और बहुत हैवी भी होता है. बहुत हैवी भी होते हैं, पूरा सोने का है. 3 से 5 हाथियाँ होते हैं, फुल्ली डेकोरेटेड, दे आर गिविंग द बेस्ट फूड, एंड यू हैव द फुल सिक्योरिटी, VIP लेन फॉर द एलिफेंट्स टू वॉक. हर राइट साइड लेफ्ट साइड में लोगों का थ्रोइंग फ्लावर पेटल्स, जैसे 300 साल पहले होता था, वैसे भी अभी है. तो ग्रैंडियर देखने के लिए लोग आते हैं कि वो कल्चर अभी भी है. इश्यूज क्या है मैसूर के, मतलब एक तरफ तो राज परिवार से लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ मैसूर से कौन लड़ रहा है? कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन था लक्ष्मण, वो वकलिगा है, वो लड़ रहा है. ये प्रताप सिन्हा की सीट थी ना, प्रताप सिन्हा की सीट थी, बट उस वो जो हादसा हुआ लोकसभा पार्लियामेंट में, उनका पास लेके किसी ने खुद चलान खोद लिया उधर, और वो कैनिस्टर ले लिया, स्मोक बॉम्ब हुआ था संसद के अंदर, वो संसद के अंदर. बट पता नहीं किस वजह से ही लॉस्ट हिज सीट. वी कांट से इसी की वजह से, बिकॉज उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा था. ही बॉट एक्सप्रेस वे, ही इज़ बॉट वंदे भारत ट्रेन्स, ही इज़ बॉट मेनी ट्रेन्स टू मैसूर एज ही क्लेम्स. तो उनका कहना कि मुझे भी पता नहीं क्यों मेरा सीट कटा गया है, बट फाइट तो है क्योंकि CM का नेटिव डिस्ट्रिक्ट है मैसूर. CM कम्स फ्रॉम मैसूर, तो एक प्रेस्टीज इशू भी है. जैसे बेंगलुरु रूरल इज़ अ प्रेस्टीज इशू फॉर DK ब्रदर्स. अगर मेरा खुद का भाई हार गया, मैं जाके हाईकमांड को कैसे बोलूँ कि कल मुझे मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी CM कैसे कहेगा? वो तो नेचुरली कहेंगे भाई आपका भाई हार गया. मतलब DK शिव कुमार के भी नाक की लड़ाई है. हाँ सच में, अगर वो मैसूर CM का कैंडिडेट हार गया और पार्टी का कैंडिडेट हार गया, अगर कल AICC का हाईकमांड बोल दे आप 2.5 साल के बाद शिव कुमार के लिए सीट छोड़ दीजिए, कुछ तो होना चाहिए डिफेंड करने के लिए. अरे मैंने मैसूर जिता के आया, जा 20 साल से हमने जीता नहीं है, अब जीत के आए मैसूर, कुछ तो रहना पड़ेगा. तो दोनों DCM और CM प्रेस्टीज बैटल लड़ रहे हैं कि उनका अस्तित्व के लिए भी ये निर्धारक होगा. इश्यूज क्या है जिस पर लड़ रहे हैं, मतलब क्या कांग्रेस क्या मुद्दा उठा रही है, भाजपा क्या बता रही है? भाजपा वॉन्ट्स टू मेक इट अ हिंदुत्व इलेक्शन, कांग्रेस वॉन्ट्स टू मेक इट अ कास्ट इलेक्शन. जैसे कांग्रेस ने एक गौड़ा को दिया, वकलिगा को दिया है, तो दे वॉन्ट टू मेक इट वकलिगा, OBCs एंड मुस्लिम इलेक्शन. वाइल इन एवरी सीट इन BJP थिंक्स दैट इट शुड बी मोदी,
इट शुड बी हिंदुत्व, तभी कंसोलिडेट होगा. बट कांग्रेस को वो नहीं चाहिए, वो नैरेटिव ही नहीं चाहिए. जब द मोमेंट कांग्रेस हिंदुत्व टच करेगी वो बैकफुट पे रहेगी, तो वो कास्ट, सब कास्ट और गारंटी के ऊपर लड़ रहे हैं इस चुनाव. ऑलमोस्ट मैसूर में 6 लाख लोग का 2000 रुपीज जा रही है, जो महिलाओं का हर महीने जाता है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहे. आउट ऑफ 14 लाख वोटर्स या 15 लाख वोटर्स, 6 लाख वुमेन आर गेटिंग, महिलाओं के पास वो 2000 जा रही है. द मोर रूरल यू गो, कांग्रेस गारंटी सीम टू बी वर्किंग. द मोर अर्बन यू गो, मोदी फैक्टर सीम्स टू बी वर्किंग. इधर की ये इंपॉर्टेंट सीट्स है जो सेकेंड फेज के ये हैं, तेजस्वी सूर्या वाली सीट. तेजस्वी सूर्या वाली बैंगलोर साउथ है. बैंगलोर में 3 सीट है, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ. बैंगलोर साउथ 2019 में तेजस्वी एड वन, एक और बार लड़, यंगेस्ट एमपी था, एक और बार लड़ रहा है. नाउ इज 34. आई डोंट नो इफ नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन टिकट्स हु इज अंडर 20 और अंडर 30. इस बार टक्कर दे रही है कांग्रेस, क्योंकि एक मिनिस्टर की बेटी को दिया है, सौम्या रेड्डी. ये देखिए, कांग्रेस का अच्छा एक स्ट्रैटेजी है कर्नाटक में, सब सीटों में या पत्नी को दिया है, या बेटे को दिया है, बेटी को दिया है. मीडिया कुछ भी कहे, सोसाइटी कुछ भी कहे, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ए पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, जो भी है, बट ऑन ग्राउंड वर्क हो रहा है. जो बाप है या माँ है, जो मंत्री है, वो 100% एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं जिताने के लिए, क्योंकि अगर हार गए तो कल सीएम भी क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई आर यू कैबिनेट मिनिस्टर इफ़ यू कांट मेक योर ओन सन और डॉटर विन. आप लायक है क्या कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तो एक वो हो गया, और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, जो हर सीट में पैसा खर्च करना चाहिए. इट इज़ अनसेड रूल, सबको पता है कितना पैसा खर्च होता है पार्लियामेंट इलेक्शन में. वो ताकत कैबिनेट मिनिस्टर में रहेगा, थी वो मैं खुद का पैसे लगा दूँ, पार्टी से एक पैसा भी ना मांगू, वो लड़ने का ताकत है. तो वे एक स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क हो रहा है. इनिशियली जो नेगेटिव था कि नेपोटिज्म है, फैमिली रूल है, डायनास्टी है, वो है, परिवारवाद है, वो सब इग्नोर हो गया. पीपल हैव एक्सेप्टेड द कैंडिडेट्स, फाइट हो रहा है. एटलीस्ट कर्नाटक में 15 या 14 सीट में फाइट हो रहा है, जहाँ कांग्रेस भी बिल्कुल टक्कर दे रही है. जैसे तेजस्वी सूर्या लास्ट टाइम 3.5 लाख वोट से जीते थे, 3.5 लाख वोट से जीते थे. बट क्या होता है, कितने भी आप कंपटीशन दो, बैंगलोर साउथ इज़ अ वेरी सेफ सीट फॉर बीजेपी. अनंत कुमार जैसे बड़े नेता लड़े हैं, 1996 से लगातार वो जीत के आ रहे हैं. अभी तेजस्वी सूर्या भी है, मोदी फैक्टर बड़ा है उधर. अगर आप भी सोनल, आप भी बीजेपी टिकट बैंगलोर साउथ में लड़े ना, आप भी जीत जाओगे. शायद आपको मोदी जी को कहना कि आपको भी टिकट देना है बैंगलोर साउथ से, क्योंकि इतना सेफ सीट है. बहुत सेफ सीट है. ऑफ कोर्स कैंडिडेट को भी काम करना पड़ता है, बट बाकी इफ़ यू कंपेयर टू 27 रेस्ट, इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, बिकॉज आइडियोलॉजिकली दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बीजेपी. एंड ऑल्सो मोदी जी इन द अर्बन सेंटर इज़ अ बिग फैक्टर. और तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जो सौम्या लड़ रही है, ये वही है जो 16 वोटों से स्टेट इलेक्शन हारी है. जयनगर, वो जयनगर बैंगलोर साउथ में ही आता है. जयनगर असेंबली कम्स अंडर बैंगलोर साउथ. तो ऑलरेडी सौम्या का खुद का स्ट्रेंथ भी है, और सौम्या का बाप जो है वो कैबिनेट मंत्री भी है, उनका असेंबली भी बैंगलोर साउथ में आता है. तो बाप बेटी दोनों का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बैंगलोर साउथ में आता है. तो ऑलरेडी देर इज सम स्ट्रेंथ, जो कांग्रेस थिंक्स दैट वी कैन फाइट तेजस्वी सूर्या. तेजस्वी की सीट फंसी नहीं है, आप कह रहे हैं, मतलब फंसी नहीं है, बट मार्जिन कम तो हो सकता है. 3.5 लाख का मार्जिन जो है, सबसे बड़ा मार्जिन था बैंक कर्नाटका में, वो कम हो सकता है. यंगेस्ट एमपी है, और तेजस्वी सूर्या यंगेस्ट एमपी के टैग की बजाय चर्चा में रहते हैं अपने स्टेटमेंट्स की वजह से. जब इतना सेफ है, सब कुछ वो है, तो क्यों आए दिन ऐसे कभी बीजेपी को सिर्फ हिंदुओं के लिए पार्टी हो जाना चाहिए, और कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट तेजस्वी सूर्या का आता रहता है. स्टेटमेंट तो आता रहता है, बट यू हैव टू, ही विल बी द राइट पर्सन टू आंसर क्यों देते हैं ऐसे. बट मुझे लगता है वो एक अग्रेसिव नेता बनना चाहता है, और जैसे वो स्टेटमेंट्स के बाद ही उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, तो पार्टी भी शायद सोचती है कि अगला 20 साल के लिए हमारा आइडियोलॉजिकल कोर आइडियोलॉजी, जो हमारा आइडियोलॉजी कल तक लेके जाने वाला कौन है, उनको चुन रहे शायद, मुझे ये लगता है. तो इसलिए उनका हाईकमांड का भी बैकिंग है कि आप ये आइडियोलॉजी पे टिके रहिए, हम सपोर्ट करेंगे. शायद इसके लिए वो बार बार ऐसे बयान देता है. कि ग्राउंड पर क्या असर होता है उनके बयानों का? सिटी में इश्यूज ही बहुत दूसरा होता है. पीपल फॉरगेट व्हाट वाज सेड यस्टरडे. काफ़ी सारा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बीजेपी वाले ने दिया है, कांग्रेस वाले ने दिया है, वो भूल जाते हैं लोग. जब पानी नहीं है, पॉटहोल्स है, वो मुद्दे बन जाते हैं. जैसे पॉटहोल्स अभी भी नहीं है, बट लास्ट सरकार का इलेक्शन पॉटहोल्स एक बड़ा मुद्दा था. कांग्रेस ने लगातार प्रोटेस्ट किया, हर 2 महीने 1 महीने में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बड़ा इश्यू था. जैसे 40% पे सीएम कमीशन सरकार जो एलिगेशन लगाया गया, वो बड़ा मुद्दा था. उससे पहले आपका हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी था कर्नाटक में, हलाल कॉन्ट्रोवर्सी था, लोग भूल गए.
पीपल मेमोरी इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट लिव्ड. पीपल फॉरगेट वॉट हैज हैपेंड, बट जैसे वेन इट कम्स टू बेसिक कम्युनिटीज मुद्दा, पीपल रिमेंबर मोर आई फील. अभी तेजस्वी सूर्या की सीट पर क्या मुद्दा रहेगा, कुछ काम वाम किया है? तेजस्वी सूर्या का मुद्दा है साउथ, बेंगलोर साउथ का पानी है और मेट्रो कनेक्टिविटी है. उनका एक है ना कि मेट्रो कनेक्टिविटी में और लाऊंगा, सब अर्बन रेलवेज भी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे आईटी सेक्टर के लोग जो ओल्ड सिटी में रह रहे हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू रीच. एंड बीएमटीसी बसेस जो बैंगलोर का लोकल बसेस है, गवर्नमेंट बसेस, सिर्फ वही है जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन देते हैं. मेट्रो इज़ नॉट फुल फ्लेज्ड एवरीवेयर इन बैंगलोर जैसे दिल्ली में है. सो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अ बिग टॉकिंग पॉइंट. बट तेजस्वी सूर्या क्लेम्स दैट दे हैव डन अ बिग टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड इन हेल्थ. जो जनऔषधि केंद्र है पीएम का, जनऔषधि केंद्र हाईएस्ट इन कर्नाटक, बैंगलोर साउथ में 100 के आसपास ज्यादा. उन्होंने डेटा भी दिया था कि हजारों करोड़ों का पीपल हैव सेव्ड देयर मनी. जो एमआरपी शॉप में आपको 80 रुपए या 100 रुपए का मिलता है, जनऔषधि केंद्र में 40 या 50 रुपए का मिल जाता है. तो पीपल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी. ही इज टेकन दैट टू द पीपल. रिपोर्टर्स के, आई मीन मीडिया के पास ही केप्ट अ रिपोर्ट कार्ड ऑल्सो. बट क्या होता है ना, कांग्रेस ऑल्सो कीप्स चेंजिंग देयर कैंडिडेट हर 5 साल साउथ में. आपको एक लीडरशिप भी ग्रो करना है. अगर मान लिया मैंने हार गया कांग्रेस टिकट पे, मुझे निकल के आपको दे देंगे टिकट, इवन इफ आई हैव वन बाय अ स्मॉल लॉस बाय अ स्मॉल मार्जिन, तो नरिश तो करना पड़ेगा आपको. वो ठीक ही रहना चाहिए. कांग्रेस हैड गिवन इट टू नंदन नीलकनी इन 2014, 2019 बी के हरिप्रसाद ना, दोनों है इस बार इन एन अराउंड बैंगलोर साउथ. अब नहीं चाह रहा है तो अगर मान लीजिए हार गए 2028 में या 2029 में नया चेहरा हो सकता है. वो लीडरशिप कोशिश करना पड़ेगी कि दे हैव टू ग्रूम अ लीडरशिप इन बैंगलोर साउथ. ऊपर के हिस्से का क्या है जिसमें देखिए, द मोर ऊपर यू गो द मोर लिंगाइट्स यू फाइंड. सदर्न कर्नाटक में वोकलिगास और गौड़ास का डोमिनेंस है क्योंकि ये थोड़ा सा समझा दीजिए जो फर्स्ट टाइम मान लो देख रहा है, जो फर्स्ट टाइम ये सब टर्म सुन रहे हैं. देखिए अक्रॉस इंडिया वी नो दैट एससी एंड एसटीज विल बी लार्जेस्ट इन नंबर एंड माइनॉरिटीज विल बी लार्जेस्ट इन नंबर. बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट वोट इन पॉकेट्स, दे डोंट वोट इन एन मास. एससी एसटी में भी 100 सबकास्ट है. दे वन सबकास्ट डजंट वोट फॉर अदर सबकास्ट, द अदर सबकास्ट डजंट वोट फॉर अदर सबकास्ट. But in Karnataka, even though the SCSTs and minorities are largest in number as per the alleged caste census report, there are other two very dominant political castes, Lingayats. Lingayats are spread across Karnataka, but majority of them in northern Karnataka. Vokaligas are also politically dominant, jo southern Karnataka mein rehte hai. Both are... Vokaligas southern Karnataka mein milenge aur Lingayat upar ki taraf. Mysore area mein, Lingayats Hubli ke area mein, jo northern Karnataka hai. Both are politically dominant. Both have lands, land owning, agriculture, landlords, big industrialists, education institution chalate. So politically बहुत dominant है. और मठ्स जो है कर्नाटक में, मठ का बहुत influence है. Both Lingayat mutt and Vokaliga mutt are very very prevalent here, very influential in Karnataka compared to anyone else, any other mutt. So these are the two communities. Lingayat versus Vokaliga चलता है इधर? चलता है. जैसे आप देखिए Vokaligas are you're traditionally with JDS because Devegowda is a Gowda, is a Vokaliga. Now DK Shivakumar is a Vokaliga. Seems like they have shifted towards DK Shivakumar in assembly elections because Congress did very well in Mysore area. Yediyurappa is a Lingayat and northern Karnataka completely supported Yediyurappa in 2019. They won all the seats. Even though Prahlad Joshi fights Dharwad seat, proper Lingayat bastion, wo Brahman hai. फिर भी जीत रहा है, मतलब विद द सपोर्ट ऑफ लिंगायत्स. ऑफ कोर्स ब्राह्मण्स विल सपोर्ट, बट लिंगायत के सपोर्ट के साथ भी. तो देयर इज ऑलवेज दैट इफ सीएम इज अ वोकलिगा, दे यूजुअली अकोमोडेट द पार्टी प्रेसिडेंट एज लिंगायत सो दैट यू डोंट क्रिएट एनिमोसिटी बिटवीन टू ग्रुप्स. जैसे एमबी पाटिल है, उनको कैंपेन कमेटी चेयरमैन बनाया गया क्योंकि वो लिंगायत है, सबसे बड़ा लिंगायत कांग्रेस में. आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न कर्नाटक में यू हैव लिंगायत्स मोर. जैसे उधर बी एस येडियुरप्पा का है एंड That's why in 2019 जहाँ उनका सरकार बना, they made a 3 deputy CM, एक दलित deputy CM, एक वोकलिगा deputy CM बनाया क्योंकि even the other populated caste also की उनको लगे कि हम भी represented है इस पूरा ecosystem में, political ecosystem. तो ये हुबली वाला area वो भी है ना जो अक्सर चर्चा में रहता है clashes की वजह से, जहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है क्योंकि इधर इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज मोर इन हुबली सिटी एज वेल. ईदगाह मैदान का बहुत बड़ा इशू था
back then that there were fights that Eidgah Maidan mein we can't, there was not permission to hoist the national flag, the whole right wing organization udhar gaye, wo sab history hai. Jaise recently also I think 2 saal ya 3 saal ya 1 saal pehle, I can't remember which year was it, the BJP and right wing organization asked the government ki hame maidan mein Ganesh Utsav manane ka permission de dijiye, Eidgah Maidan mein. तो सरकार ने मना तो किया क्योंकि कम्युनल हो जाएगा, क्योंकि नाम ही ईदगाह मैदान है, उधर जाके आप गणेश महोत्सव मनाना चाहते हो. वैसे कुछ नहीं है उस मैदान में, मतलब खाली मैदान है. खाली मैदान है, एक आई थिंक एक गुंबस है, छोटा सा एक गुंबस जैसा है. बट सो द गवर्नमेंट को कॉल दैट हम परमिशन नहीं देंगे, इट विल बी यूज ओनली फॉर नेशनल फेस्टिवल्स, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, एवरी वन कैन कम हॉइस द नेशनल फ्लैग एंड गो. ऐसा हुआ, बट बाद में दे गेव अ परमिशन टू सेलिब्रेट गणेश उत्सव बगल में, नॉट इन द मेन एरिया, बिकॉज दे वेंट टू द कोर्ट सेइंग हमारा गलत के एवरी फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड, गणेश उत्सव क्यों नहीं मना सकते है? वो भी एक इशू है. परसों ही एक मर्डर हुआ धारवाड़ में, वेरी अनफॉर्चुनेट. नेहा हिरेमठ उनका नाम है, शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड बाय पर्सन कॉल्ड अक्यूज कॉल्ड फायाज. तो उनका भी एक चर्चा हो रहा है. सो वेन एवर इट बिकम्स इट्स अ पोलिटिकल इशू टू बी ऑनेस्ट. टुडे यस्टरडे अक्रॉस कर्नाटका बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, राइट विंग ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया कि हिंदू महिलाओं का रक्षक कौन करता है, कांग्रेस माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में अपीजमेंट कर करके ये मर्डर हो रहा है, महिलाओं का एक सिक्योरिटी नहीं है. वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है. ठंडा था इस इलेक्शन, जैसे मैंने कहा कांग्रेस कास्ट इलेक्शन करना चाहते हैं, बीजेपी हिंदुत्व इलेक्शन करना चाहते हैं, वो एक मुद्दा बन गया बीजेपी के लिए. आज भी अमित शाह आ रहे, मुझे लगता है बिल्कुल इसके इस मर्डर के बारे में एक बयान आएगा अमित शाह जी से. और कल नड्डा जी भी वो घर गए, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी वो विक्टिम के घर गए और माँ बाप से मिले, कंडोलेंसेस दिए, वो एक बड़ा मुद्दा है. केस था क्या, मतलब अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला? पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि दैट द गर्ल केप्ट रिजेक्टिंग हिज एडवांसेस और वो फ्रस्ट्रेट हो गया एंड ही हैज स्टैब्ड हर कॉलेज के अंदर प्रीमिसेस में. एंड जो वीडियो वायरल हुआ ब्रूटैलिटी है, दैट इज व्हाट इज प्रोवोकिंग पीपल कि कॉलेज के कैंपस में आके कैसे कौन कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हियर द पेरेंट्स, अब जब माँ बाप को सुनेंगे ना, इवन यू विल हैव टीयर्स इन योर आईज. वो कह रहे हैं कि सुबह हमने ड्रॉप किया कॉलेज में, वो हंस रही थी, 12 बजे हमें कॉल आया कि हमारा बेटी नहीं है इधर, वी आर अनेबल टू बिलीव कि वो डेड बॉडी बन के आई है, कोई सेव भी नहीं किया उसको. तो और बाप का कहना है कि ये लव जिहादी है, अक्यूज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ए लव जिहाद, ही ट्राई टू कन्वर्ट माई डॉटर. उसने कहा कि मैं नहीं हूँ, मैं मुझे रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए, मुझे कन्वर्ट भी नहीं करना है, तो फ्रस्ट्रेट होकर स्टैप कर दिया. बट एज ऑफ नाउ कोर्ट विल हैव टू टेक अ कॉल कि वो जिहाद है, लव जिहाद है, क्या है या सिर्फ सिंपल मर्डर है, वो कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तैयार करेंगे. बट बीजेपी का एक मुद्दा बन गया है कि दैट हिंदू वुमेन आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट. तो नॉर्थ कर्नाटक में वो है, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा लेके बेलगाम में जा रहे, धारवाड़ में जा रहे, विजयपुर, बागलकोट, ये सब एरिया में बीजेपी लगातार 4-5 दिन से ये कर रहे हैं. और यहाँ की इंपॉर्टेंट सीट्स कौन कौन सी है? अगर जैसे धारवाड़ है हाई प्रोफाइल, प्रहलाद जोशी लड़ रहे हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है. आपको कलबुर्गी है जहाँ AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का खुद का सीट है, ही लॉस्ट इन 2019. तो उसका दामाद लड़ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का दामाद राधाकृष्ण दोडमणि, ही इज़ फाइटिंग दिस कलबुर्गी सीट. तो ये दो सीट है जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र है. और यू हैव हावेरी गदगे बोम्माई लड़ रहा है, बसवराज बोम्माई, बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री. बेलगाम से जगदीश शेट्टर लड़ रहा है, बीजेपी का एक और पूर्व मुख्यमंत्री. तो ये 4 सीटें जहाँ बिल्कुल मीडिया का नज़र है कि क्या होने वाला है. हर सीट में आपको माइनॉरिटीज मिलेंगे, दलित्स मिलेंगे, ओबीसीज मिलेंगे. तो कांग्रेस वांट्स टू डू लिंगायत वर्सेस अदर्स, वेल बीजेपी वांट्स टू डू अपर कास्ट लिंगायत्स एज वेल एज अ पॉकेट ऑफ एसटीज वर्सेस अदर्स एंड हिंदुत्व ऑफ कोर्स. बेलगाम में मोदी फेमस है, धारवाड़ हुबली में मोदी फेमस है, हावेरी में मोदी फेमस है. सो दे वांट इन एवरी अर्बन सेंटर मोदी का चेहरा दिखा के मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी. बट जब रूरल जाएंगे ना, आपको कांग्रेस का गारंटी का आवाज़ सुनाई पड़ेगा. जैसे मैंने राजदीप जी जो हमारा कंसल्टेंट एडिटर है, एक बस में हमने सफ़र किया काफ़ी रूरल सेक्टर में, काफ़ी सारे महिलाओं ने एग्री किया हमें पैसा आ रहा है, हम फ्री बस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सरकार के लिए वोट देंगे, थोड़ा आप कांग्रेस सरकार को वोट देंगे, थोड़ा आप नज़दीक आते रहेंगे सिटी के तरफ
वो कहेंगे हाँ हमें भी मिल रहा है बट देश के लिए मोदी चाहिए, क्योंकि देश का सुरक्षा सिर्फ मोदी कर सकता है और मतलब कोई नहीं। डिफरेंस समझ रहे हैं कि स्टेट में हमें भले कांग्रेस चाहिए लेकिन हमें सेंट्रल में किसी और, सेंट्रल सिक्योरिटी के लिए उनको लगता है कि देश का नाम रोशन हुआ है चारों तरफ, फॉरेन डेलीगेट जब आते हैं इंडिया, इंडिया का नाम, दे पीपल रिकॉग्नाइज इंडिया मोर, और नेशनल सिक्योरिटी इश्यू में दे फील दैट मोदी इज डूइंग अ बेटर जॉब देन कांग्रेस इज व्हाट अर्बन सेंटर्स में लोगों का कहना है। वन लास्ट क्वेश्चन, इस बार आप बता रहे कई सीट्स पर कांग्रेस भी फाइट में, लास्ट इलेक्शंस 2019 में आउट ऑफ 28 सीट्स 25 बीजेपी वन ऑल अलोन, इस बार तो चलो जेडीएस के साथ 3 सीट का उन्होंने दे दिया है उनको, क्या इस बार रहेगा और क्या रीज़न था कि इतनी ज़्यादा सीट आई? मतलब पूरे साउथ के हम स्टेट्स देखते हैं, चाहे वो आंध्रा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, कहीं पर भी बीजेपी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखता, कोई भी इलेक्टोरली सक्सेस नहीं दिखता उनको, लेकिन इधर कर्नाटका आते ही वो बिल्कुल पलट जाता है। इट्स बीन अ स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ लगातार 40 साल से, एंड आरएसएस का एक बड़ा सा नेटवर्क भी है संघ का, जैसे महाराष्ट्र नागपुर इज अ हेडक्वार्टर ऑफ आरएसएस, आई वुड ऑल्सो से द सेकंड हेडक्वार्टर इज कर्नाटका इटसेल्फ, लगातार संघ हैज बीन वर्किंग फॉर मेनी डेकेड्स हियर, इन 90s इटसेल्फ बीजेपी हैड एमएलएस एंड एमपीस फ्रॉम कर्नाटका, इन 2006 दे हैड अ कोएलिशन गवर्नमेंट विद जेडीएस इधर, सो कर्नाटका इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ड्रेविडियन स्टेट्स, जैसे तमिलनाडु केरला इज वेरी एंटी हिंदी इम्पोजिशन, आप बेंगलुरु में कहीं जाएंगे तो इन द ऑटो रिक्शा वाला विल स्पीक टू इन हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, इट्स नॉट वेरी लिंग्विस्टिकली व्हाट डू आई से कॉर्नर्ड सेइंग, वी आर बेंगलुरियंस एंड कर्नाटकास आर वेरी ओपन एंड वेलकमिंग टू एवरीवन, तो इसलिए लैंग्वेज इज नॉट अ बड़ा इशू, बट आजकल लास्ट 5-10 ईयर्स मुद्दा बन गया है कि कन्नड़ा अस्मिता, कन्नड़ का आइडेंटिटी बन गया है, इसीलिए वीडियोज वायरल होते हैं ऑटो वालों के या कहीं कुछ कन्नड़ा मैं बात करूं, कनाडा सीखो या कनाडा बोलो, जैसे मुझे भी लगता है कि अब आएंगे, जैसे मैंने दिल्ली में काम किया, मुझे भी सीखना पड़ा हिंदी, जब आप आएंगे इट इज़ नॉट फॉर एनीवन्स बेनिफिट, आपका जिंदगी आराम हो जाएगा ना, इफ़ यू कैन इमेजिन, इफ यू कैन बार्गेन एंड गेट 10 रुपीज लेस लोकल लैंग्वेज में, आपका ही जिंदगी आसान हो जाएगा, एंड ऑल्सो जब आप नए लैंग्वेज सीखोगे आपका ब्रेन भी डेवलप्ड होगा, यू हैव मोर फ्रेंड्स इन रीजनल लैंग्वेज, you have more outlook towards life, mujhe lagta hai if I go to any other state I will also would love to learn that language, it's not as an imposition karna hai but लोगों को इंडिविजुअलिटी वो खुद सीखना पड़ेगा, और ये पॉलिटिकल इशू भी है क्योंकि हम देखते हैं बोर्ड्स की बात होती है 60% बोर्ड्स, पॉलिटिकल इशू भी है और मैं सपोर्ट करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, व्हेन यू कम एंड डू बिजनेस हियर यू बेटर लर्न द लैंग्वेज, आप मुंबई में जाके बिना मराठी का इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश बोर्ड लगा दीजिए, किसी का ताकत भी नहीं रहेगा उधर लगाने के लिए, आप चेन्नई में जाके सिर्फ बिना तमिल का बोर्ड लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली दे विल बी रिमूव्ड, कर्नाटक में क्यों आपको बार बार नोटिस देना पड़ेगा, आपको बार बार यू हैव टू बी रिमाइंडेड सी करना, बिल लाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा ना, तो इश्यू अभी हुआ है क्योंकि द इन्फ्लेक्स ऑफ पीपल ऑल्सो हैव बिकम मोर, नॉर्थ इंडियन से लोग आईटी बूम के बाद आ रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा हो गया कि कनाडा वर्सेस अदर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज अब स्क्वीज कर रहे हैं, मिल्क कर रहे हैं, बट वो बड़ा मुद्दा है अभी इलेक्शन में। आपने कहा आरएसएस यहाँ एक्टिव है, मैं अभी केरला से आ रही हूँ, केरला में भी मुझे बताया गया कि रोज करीब 6,000 शाखाएं लगती है, क्या डिफरेंस है केरला के आरएसएस में और कर्नाटका के आरएसएस में, क्या वो बहुत शांत है, वो इलेक्टोरली क्यों नहीं परफॉर्म करते, इधर कैसे कर रहे हैं? देखिए पॉपुलेशन का मामला भी डिफरेंट है, केरला में यू हैव अ लॉट ऑफ माइनॉरिटीज एज वेल, लॉट ऑफ क्रिश्चियंस एज वेल, हिंदू पॉपुलेशन इज मे बी 51%, 52%, एंड केरला इज रिलीजियसली इक्वल इन सेंस ऑफ माइनॉरिटीज एज, बट कर्नाटक में कास्ट टेक्स प्रेसिडेंस देन रिलीजन, वो एक बड़ा इस मुद्दा है, बिकॉज लिंगायत्स, if you ask lingayats first will they consider themselves hindus or lingayats, lingayats became their identity, gaudas will consider the surname gauda hai, jaise deve gauda hai, wo kliga hai, to caste in karnataka take predominance over religion, at least in the last 10 years it has changed because hindutva has become a big issue in urban centers, jaise main bar bar keh raha hu rural mein hindutva ka mudda nahi hai but urban centers mein mudda hai aaj bhi hindutva, and bjp will only do better from here if they take it to the rural parts, but congress जैसे असेंबली 2023 में असेंबली इलेक्शंस में कास्ट इलेक्शन बनाया, मोदी जी कुछ भी बयान दे दिल्ली में, इधर का कांग्रेस लीडर्स रिएक्ट नहीं करते हैं असेंबली इलेक्शन में, बिकॉज द मोमेंट यू रिएक्ट इट बिकम्स मोदी वर्सेस द रेस्ट, दे आर कॉन्शियसली दैट सिद्धरामैया वर्सेस अदर्स इलेक्शन बनाना है, एंड सिद्धरामैया इज अ वेरी बिग मास लीडर, येडियुरप्पा इज अ वेरी बिग मास लीडर, देवेगौड़ा इज अ बिग मास लीडर, तो दे केप्ट द नरेटिव कि हम राज्य के बारे में ही चर्चा करेंगे, एंड दे केप्ट द नरेटिव ओनली टू कर्नाटका। क्या आखिरी ये बता दीजिए बीजेपी के क्या प्रॉमिसेस है, कांग्रेस के क्या प्रॉमिसेस है लोगों के लिए इधर?
कांग्रेस का गारंटी सी प्रोमिसेस से इधर कि हम कांग्रेस गारंटीज 5 साल तक विल कीप इट गोइंग, अभी 2000 रुपये दे रहे हैं, बिजली माफ है, फ्री बस राइड है, 10 किलो का चावल फ्री है और स्टाइफंड दे रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ का है 2000 रुपया, और मिल रहा है लोगों को। बट ऑफकोर्स जैसे उन्होंने कहा दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड, बिल्कुल उसी तरफ से दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन पुटिंग सम रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस। तो वो कांग्रेस का मुद्दा है कि हम ऑलरेडी दे रहे हैं, हम अगले 4 साल भी देंगे। बीजेपी का मुद्दा है कि मोदी जी आएंगे तो और डेवलपमेंट होगा। कर्नाटका को वंदे भारत मिला है, कर्नाटका को नए एयरपोर्ट्स मिला है, कर्नाटका को आईटी कंपनी स्टार्टअप्स बहुत मिला है, एमएसएमई का बहुत बड़ा लोन भी मिला है। तो अगर देश भर डेवलपमेंट होना है, कर्नाटका हैज़ बिकम नंबर 2 स्टेट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जीएसटी वी आर पेइंग जस्ट आफ्टर महाराष्ट्र द लार्जेस्ट पेइंग जीएसटी स्टेट, वो सब मोदी की वजह से हो रहा है कि बीजेपी का कहना है मोदी इज द ओनली फेस दैट दे आर गोइंग विथ द डेवलपमेंट एंड मोदी यू वोट फॉर अस। बिकॉज असेंबली इलेक्शंस में मोदी का चेहरा और डेवलपमेंट का चेहरा इतना नहीं चला क्योंकि यू सॉ 140 सीट्स कांग्रेस वन, सो नाउ दे नो दैट व्हेन इट कम्स टू नेशनल इलेक्शंस कांग्रेस गारंटी का नहीं है, वो थोड़ा लोकल इश्यू हो गया। व्हेन यू कीप सेइंग दैट नेशनल सिक्योरिटी है, जैसे देखिए G20 हमने कैसे होस्ट किया, नेशनल इमेज क्या है, इंटरनेशनल इमेज क्या है इंडिया के बारे में, वो सब बीजेपी का मुद्दा है इस बार। बहुत शुक्रिया नागार्जुन, आपने इतने विस्तार से सब कुछ बताया और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखकर आपको तो यहाँ के इश्यूज समझ में आ गए होंगे कि किन टॉपिक्स पर यहाँ का चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी हम जाएंगे बैंगलोर में अलग अलग एरिया में, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि उनको किस पर ज़्यादा भरोसा है, उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि नागार्जुन ने बताया वो तो पॉलिटिकल समझ और वो जो ऑब्जर्व करते हैं उसके आधार पर है। पानी कितना बड़ा मुद्दा है, लैंग्वेज यहाँ कितना बड़ा मुद्दा है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं, आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश थे, मैं सोनल हूँ, ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।